नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष ट्राई वीडियोस यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। यह हमारा टेक न्यूज का 40th एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर्ष ट्राई वीडियोस यूट्यूब चैनल के 40 टेक न्यूज एपिसोड को। दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो फेसबुक की तरफ से आ रही। दोस्तों फेसबुक ऐड पे आपको एक नया बटन अब देखने को मिलेगा, वो बटन है सेंड मैसेज का। दोस्तों उस बटन को आप जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे स्विच कर जाइएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ऐड को स्विच करने के बाद आप व्हाट्सएप पे जैसे ही आते हैं, वहां से उसके माध्यम से आप डायरेक्ट एडवर्टाइजर से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। यानी एक बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। अगर आपको ऐड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फिर कोई भी सवाल है या फिर कुछ भी ऐड से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ही सेंड मैसेज बटन को क्लिक कीजिए और एडवर्टाइजर से व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बात कर लीजिए। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो हुआबे की तरफ से आ रही है खबर। निकल के ऐसी आ रही है जिसके माध्यम से पता चलता है कि हुआबे का आने वाला डिवाइस हुआबे P11 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में हो सकता है लॉन्च। दोस्तों एक लीक पहले ऐसे निकल के आई थी जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि हुआबे P11 में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी 40 मेगापिक्सल का। लेकिन दोस्तों अब जो भी वो क्लियर हो जाएगा 2018 MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कि उसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा या फिर 4 कैमरा या फिर डुअल कैमरा, जितने भी डिटेल्स होंगे सब पता चल जाएंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो OnePlus की तरफ से आ रही है। OnePlus का लेटेस्ट डिवाइस है OnePlus 5T और OnePlus 5। दोस्तों OnePlus 5 में आपको ओरियो अपडेट मिलना चालू हो गया। OnePlus रोल आउट कर रहा है ओरियो अपडेट 8.0 ओरियो को। दोस्तों अगर आपके पास भी OnePlus 5 तो देख लीजिए, शायद आ गया होगा OnePlus 5 में ओरियो अपडेट, तो आप अपडेट कर लीजिए या फिर वेट कर लीजिए, आपको आने वाले कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा 8.0 ओरियो अपडेट आपके OnePlus 5 में। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो मोटोरोला की तरफ से आ रही है। मोटोरोला ने अपने 3 न्यू मोटो मोड्स को इंडिया में लॉन्च किए हैं। दोस्तों मोटोरोला का जो मोटो मोड्स है इसकी प्राइस ही बहुत हाई होती है। खैर दोस्तों ये भी सपोर्ट भी बहुत कम सीरीज मोटो के कम सीरीज में करते हैं, जैसे जेड सीरीज में वो करते हैं, जेड प्ले में वो उन्होंने किया था, मतलब कि जेड सीरीज है उसी में सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास मोटो का जेड सीरीज है तो आप खरीद सकते हैं मोटो मोड्स को। 3 न्यू मोटो मोड्स निकले हैं, कुछ बैटरी का है, कैमरा का है, लेकिन दोस्तों इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। खैर आपकी मर्जी, आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, वो इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो सैमसंग और एलजी की तरफ से आ रही है। सैमसंग और एलजी दोनों CES 2018 में कुछ अपने स्मार्टफोन को पेश कर सकते हैं। वो लो बजट का स्मार्टफोन होगा और बजट का स्मार्टफोन और मिड रेंज स्मार्टफोन होगा। अब देखिए दोस्तों CES 2018 में कौन कौन सा स्मार्टफोन एलजी और सैमसंग पेश करते हैं। अब ये देखने वाली बात तब होगी जब CES 2018 खत्म हो जाएगा, उस समय देखेंगे कौन कौन सा स्मार्टफोन एलजी ने और सैमसंग ने पेश किया बजट में और लो बजट कैटेगरी में। दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि आज दिन है शनिवार को ज्यादा टेक न्यूज नहीं आते, जो 2-4 टेक न्यूज थे मैंने आपको बता दिया। और आज की अंतिम खबर को भी आप देख लीजिए। दोस्तों आज की अंतिम खबर की बात करें तो YouTube इंडिया की तरफ से आ रही है। दोस्तों YouTube का ईयर इन पार्टी जो था वो कल ही था, वो कल समाप्त हो गया। उस पर बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं YouTube ईयर पार्टी के बारे में ज्यादा डिटेल या फिर देखना चाहते हैं उसका वीडियो, तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए YouTube इन पार्टी 2017। आपको ढेर सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे YouTube ईयर इन पार्टी 2017 का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज़ का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियाँ यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः प्रसारित होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।